हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट, हम क्लास 9th में चैप्टर 6 टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड इट्स टाइप पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज परमानेंट टिश्यू एंड इट्स टाइप, कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज परमानेंट टिश्यू एंड इट्स टाइप, ये हमारा क्वेश्चन है। द मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, एक डिवीजन होता है या फिर डिवाइड होता है वो, और परमानेंट टिश्यू को निर्माण करता है। इसमें डिफ्रेंशिएशन का यूज़ किया हमने, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था। ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन बाय सेल। कोई सेल एक परमानेंट शेप या साइज धारण कर लेती है, उसके अंदर कोई भी दोबारा चेंज नहीं होता, तो इसी कारण इसको हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। द टिश्यू डैट आर कंप्लीटली ग्रोन, यह अपने आप में पूरा बना होता है एंड लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, और यह आगे डिवाइड या फिर डिवीजन इसके अंदर नहीं होगा, इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू और उसके टाइप के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू होता है टू टाइप का, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज हम स्टडी करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, ये होता है थ्री टाइप का। स्टूडेंट आपने ध्यान से देखना है, पैरेंचाइमा, कोलेनचाइमा और स्क्लेरेनचाइमा। थ्री टाइप होते हैं, पैरेंचाइमा, कोलेनचाइमा और स्क्लेरेनचाइमा। तो सिंपल टिश्यू के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल टिश्यू होता क्या है, क्योंकि परमानेंट टिश्यू के बारे में किया हमने ऊपर। तो परमानेंट टिश्यू भी टू टाइप होता है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू के बारे में हम पहले पढ़ेंगे ये क्या होता है, फिर इसके थ्री टाइप है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, दीज आर ऑल्सो नोन एज होमोजीनियस टिश्यू। इनको हम होमोजीनियस टिश्यू भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सारे के सारे एक ही प्रकार के दिखाई देते हैं, फिर एक ही सेल से बने होते हैं, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। दे आर मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सेल, क्यों, क्योंकि सारे के सारे एक ही प्रकार की सेल से बने होते हैं, यूजुअली द सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि जिन सेलों से बने होते हैं उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है और फंक्शन भी सेम परफॉर्म करती है। तो सिंपल टिश्यू क्या होते हैं, जो सिर्फ एक ही प्रकार के सेल से बने होते हैं, और इनको हम होमोजीनियस टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि सारे एक समान दिखाई देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल टिश्यू के अंदर, सिंपल टिश्यू का जो थ्री टाइप के होते हैं, फर्स्ट पार्ट पैरेंचाइमा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पैरेंचाइमा फर्स्ट पार्ट है, ये थ्री टाइप का होता है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इट हैव थिन सेल वॉल एंड लाइव सेल्स। जो उसकी सेल वॉल क्या होती है, जो बाहरी लेयर होती है। अब लिविंग थिंग्स में तो सेल मेम्ब्रेन थी, लेकिन पेड़ों में क्या होती है, बाहरी लेयर को हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल। कि इसमें पतली तो सेल वॉल होती है एंड लाइव सेल्स, और जिन सेल से बना होता है टिश्यू वो क्या होती है, जीवित कोशिकाएं होती हैं। दी सेल्स आर लूजली पैकेड, इसका मतलब क्या हुआ कि लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल। जिस तरह कोई भी सेल से बनकर टिश्यू बना होता है, कई सारी सेल मिलकर एक टिश्यू को बनाती हैं, तो सेल है उनके बीच में स्पेस है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए हमको क्या बोलेंगे, लूजली पैकेट बोलेंगे। तो इसके लिए हम आपको डायग्राम से समझाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप डायग्राम आपको शो हो रहा होगा, तो इसमें क्या है, ये डिफरेंट क्या है, सेल्स हैं, तो इनके बीच में क्या है, स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या बोलेंगे हम, इंटर सेलुलर स्पेस। तो इनके बीच का स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ये किस टाइप की होती हैं सेल, राउंड शेप्ड सेल। राउंड शेप्ड का मतलब होता है ओवल शेप्ड या फिर अंडे के आकार की जो शेप होती है उसको हम राउंड शेप भी बोलते हैं। तो इसी यही बात पीछे पॉइंट में बताई गई है कि इनके बीच का स्पेस है वो ज़्यादा होता है, आपको डायग्राम में शो भी हो रहा होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, सॉरी थर्ड, दी सेल्स हैव ओवल और राउंड शेप्ड। इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है कि जो कोशिकाएं हैं जिनसे ये बना होता है वो ओवल, अंडे के आकार की या फिर राउंड शेप्ड होती हैं। दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज,
जो सेल वॉल है, जो बाहरी लेयर होती है किसी भी टिश्यू की, वो किससे बनी होती है? इसकी सेलुलोज से। इट इज़ फाउंड इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट्स, कि है पौधे के या फिर किसी भी प्लांट के सारे पार्ट में ये पाया जाता है। द टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड स्टोर फूड। या इसका मेन यूज क्या है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टू सपोर्ट टू प्लांट, कि पेड़ पौधे को सपोर्ट करने के लिए, एंड स्टोर फूड, मेन यूज होता है इसका, ये जो पेड़ पौधे का भोजन है उसको स्टोर करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपके डायग्राम्स हो रहे हैं, आज की क्लास हमारी यहीं तक। आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछना ज़रूर। ओके, थैंक यू क्लास। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक बार दोबारा से आप इनके टाइप के बारे में देख सकते हो कि परमानेंट टिश्यू टू टाइप होता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उसके बाद सिंपल टिश्यू है, ये तीन टाइप का होता है, पैरेन्चाइमा, कोरेन्चाइमा, स्क्लेरेन्चाइमा। तो हमने आज पैरेन्चाइमा के बारे में स्टडी कर ली है, कल की क्लास में हम कोरेन्चाइमा और स्क्लेरेन्चाइमा स्टडी करेंगे। स्टूडेंट आप सभी के पास बुक होगी, तो आप बुक के अंदर से इनके डायग्राम एक बार देख लेना। डायग्राम क्वेश्चन पे में आपके या फिर पेपर में बनाना नहीं आएगा, लेकिन आप एक बार देख लेना, वैसे तो आपका ये इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू क्लास।